हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना गुलाटी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कमर दर्द यानी कि बैकएक की समस्या में बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। दोस्तों, मैंने अपने पहले कुछ वीडियोज में आपके साथ शेयर किया है कि बैकएक की समस्या किस वजह से होती है और हम बैकएक की समस्या में ऐसे कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स। दोस्तों, ये ऐसे केसेस में इंडिकेटेड होती है जहाँ पर मरीज को कमर दर्द के साथ साथ अकड़न रहती है और बहुत ज़्यादा बेचैनी यानी कि रेस्टलेसनेस रहती है। दोस्तों, ऐसे केसेस में मरीज को बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करने की इच्छा होती है और कमर दर्द ठंड में, बरसाती मौसम में या आराम करते वक्त बढ़ जाता है। हालांकि अगर मरीज अपनी पोजीशन को चेंज करता है या वो लगातार चलता है या सिकाई करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं, तो उन्हें कमर दर्द की समस्या में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, आप रेस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं और इस मेडिसिन के दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। अगली बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। और दोस्तों, ये ऐसे केसेस में इंडिकेटेड होती है जहां पर मरीज को कमर दर्द की समस्या चलने फिरने से या एक्सर्शन करने से बढ़ जाती है और अगर मरीज आराम करता है तो कमर दर्द में आराम मिलता है। दोस्तों, ब्रायोनिया के केसेस में हमें एक ये भी सिम्टम देखने को मिलता है कि मरीज को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। दोस्तों, ब्रायोनिया एल्बा को भी आप 30 पोटेंसी में दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बहुत ही इफेक्टिव दवाई का नाम है एस्क्यूलस। दोस्तों, ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर मरीज कमर दर्द की पोजीशन लंबोसैक्रल बताते हैं, यानी कि ऐसी पोजीशन जहां पर लंबर वर्टिब्रे सैक्रल वर्टिब्रे के साथ फ्यूज करते हैं। दोस्तों, एस्क्यूलस के केसेस में मरीज कमर दर्द की वजह से खड़े नहीं रह पाते और उन्हें बैठना या लेटना ही पड़ता है। दोस्तों, एस्क्यूलस के केसेस में कई बार पाइल्स की समस्या यानी कि हेमेरॉइड्स की समस्या भी देखी जाती है। दोस्तों, आप एस्क्यूलस को 30 पोटेंसी में दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है कैली कार्बोनिकम। और ये ऐसे केसेस में इंडिकेटेड होती है जहां महिलाओं की रीसेंट डिलीवरी या एबॉर्शन की वजह से कमर दर्द की समस्या शुरू होती है। ऐसी महिलाएं दोस्तों ये कंप्लेन करती हैं कि उनसे वॉक नहीं हो पाती, वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती और उन्हें लगातार ये महसूस होता है कि वो बैठ जाएं। दोस्तों, आप कैली कार्बोनिकम को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं और इस मेडिसिन के दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है रूटा ग्रेवियोलिंस। और ये ऐसे केसेस में इंडिकेटेड है जहां पर मरीज कमर दर्द के साथ अकड़न की समस्या बताते हैं और मरीज को कमर के बल लेटने पर यानी कि सीधा लेटने पर बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। दोस्तों, रूटा के केसेस में कई बार मरीज एंकल और रिस्ट जॉइंट में भी पेन की समस्या की कंप्लेंट करते हैं। दोस्तों, रूटा को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं और दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, आखिरी बहुत ही इफेक्टिव दवाई का नाम है आर्निका मोंटाना। और ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर कमर दर्द चाहे नया हो या बहुत पुराना पर इंजरी यानी कि चोट लगने की हिस्ट्री हो। दोस्तों, आप आर्निका को 30 पोटेंसी में दे सकते हैं और दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।